नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनराइज IIT एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार एक गूगल शीट के डेटा को दूसरी शीट में कैसे इंपोर्ट किया जाता है ऑटोमेटिकली। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल प्रेशन को जरूर दबा दें जिससे कि आपको इस तकनीकी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीमेल ओपन करें। जीमेल में गूगल ऐप पे क्लिक करें, देन ड्राइव पे क्लिक करें। जिस सीट के डेटा को हमें इंपोर्ट करना है तो उस सीट को ओपन करें। जैसे टेस्ट शीट बना रखी है मैंने, तो मैंने टेस्ट को ओपन किया, टेस्ट पे क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक करें। ये टेस्ट की ड्राइव फाइल गूगल ड्राइव ओपन हो चुकी है। अब इस शीट का डेटा हमें नई शीट में इंपोर्ट करना है ऑटोमेटिकली, तो नई शीट बनाएं, नए पर क्लिक करें, देन गूगल शीट पर क्लिक करें, तो ये नई शीट बन चुकी है। ये शीट ओपन हो चुकी है। अब टेस्ट शीट गूगल शीट के डेटा में इसे न्यू वाली शीट में इंपोर्ट करना ऑटोमेटिकली। जब भी शीट में अपडेट होगा तो इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जिस शीट का डेटा हमें इंपोर्ट करना है उसका URL कॉपी करें, तो न्यू टैब ओपन करें, गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें सनराइज आई आई टी एजुकेशन, गूगल साइट टाइप करें, देन गूगल सर्च पर क्लिक करें। ये साइट आ चुकी है, ये इस पर क्लिक करें। इसके बाद एक ये सब्सक्राइब नहीं किया था, यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब क्लिक करें, देन यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब पे क्लिक करें, सब्सक्राइब पे क्लिक करें और इसको बंद कर दें। इसके बाद लिंक कन्वर्टर पर जाएं और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट डेटा ओपन गूगल शीट टू अनदर शीट, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं इंपोर्ट डेटा वन गूगल शीट टू अनदर शीट। ये इस प्रकार के गूगल फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपका नाम टाइप करना है, जो आपका नाम है, जैसे मैं XYZ1 डाला। यहाँ पे गूगल शीट का URL पेस्ट करना है, जैसे टेस्ट का मुझे इंपोर्ट करना है तो यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। शीट का नाम टाइप करें, यहाँ पे जिस शीट का डेटा इंपोर्ट करना है, जैसे यहाँ शीट का नाम शीट टू है तो इसको यहाँ मैंने यहाँ से डबल क्लिक किया और यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दें। रेंज फॉर्म, अब रेंज कहाँ से कहाँ तक लेना हमें, तो A1 से D27, तो यहाँ टाइप करेंगे हम A1 से D27, देन सबमिट पे क्लिक करें। इसके बाद क्लिक बिलो लिंक पे क्लिक करें। ये आपका फॉर्म तैयार हो चुका है। अब इस URL को आप कॉपी करके उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके द्वारा फॉर्म में दर्ज किया गया नाम और उक्त फाइल में नाम भिन्न है तो दोबारा रिसबमिट कर सकते हैं आप फॉर्म को। XYZ हमने जो टाइप किया था वो यहाँ पे सेम है, तो इसको
तो ये अगर डिफरेंट है तो दोबारा रिसबमिट कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके इसको कॉपी कर लें, जिस शीट में डेटा इंपोर्ट करना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करना है तो कंट्रोल वी टाइप किया, कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये लोडिंग हो रहा है। देन यहाँ पे क्लिक किया अलाउ एक्सेस पे क्लिक करें, ये डेटा ऑटोमेटिकली आ चुका है। जैसे मैं दूसरी गूगल शीट में टेस्ट वाले में यहाँ पे चेंज करूँगा, इस शीट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ से फॉर्मूला एडिट कर सकते हैं, यदि हम इसके रेंज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करके A1 से D27 का कर रखा है तो यहाँ 5 किया मैंने D5, तो D5 का डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। D5 का डाटा इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे B5, तो B5 का डाटा इंपोर्ट होगा। हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी प्रकार की समस्या तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की टेक्निकल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।